हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि आपका जो आपको लगता है कि कॉपी रीचेक करवानी या मार्क्स वेरीफाई करवाने, तो उसकी क्या डेट है? सीबीएसई ने डेडलाइन दी है, अगर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो रीचेक करने का क्या प्रोसेस है वो तो मैं बताऊंगा, साथ साथ पहले ये देख लेते हैं कि इसकी डेट क्या है। तो अगर आपको सिर्फ वेरीफिकेशन और मार्क्स करवाना है, आपको बस मार्क्स चेक करवाने के सही टोटल वगैरह सब कुछ सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, तो वेरीफिकेशन और मार्क्स के लिए आपको 26 जुलाई दे रखा है और 28 जुलाई तक, यानी इसी पीरियड में आपको अप्लाई करना है सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, जिसका 500 पर सब्जेक्ट, यानी जितने सब्जेक्ट के लिए आप करोगे उसका आप 500 मल्टीप्लाई कर लो। फिर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ एवेल्युएटेड आंसर बुक, यानी आपको उसकी फोटोकॉपी लेनी है, तो अगेन 500 रुपए पर आंसर बुक, यानी कि आप जितनी भी आंसर बुक मंगवाओगे उसके 500 रुपए। लेकिन इसकी डेडलाइन क्या दे रखी है? 8 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक, यानी मोटा मोटा देखे तो आपको एक दिन का टाइम दे रहे हैं, ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि यार आपको यार इसको चेक करवाना है, इसमें मतलब कहीं एरर है किसी में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज आपको चार्ज पे करना है, ठीक है। और ये 13 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक ये डेडलाइन दे रखी है, ठीक है प्रॉपर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रख लीजिए भाई, ये चीजें अगर आपको अप्लाई करना है, और ये सारी चीजें ऑनलाइन है, ठीक है। बाकी और क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखना।